hip-hop music was once a small scene of street rappers and a handful of hardcore followers. The new wave of artists are hitting the music scene tonight. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास जो स्कॉर्पियो है उसका डिफरेंशियल ऑयल हम चेंज करने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कि वो जो डिफरेंशियल ऑयल है वो कितने में आता है, उसकी प्राइस क्या है। तो ये रहा, ये डिफरेंशियल का ऑयल है महिंद्रा का। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा महिंद्रा। और ये जो ऑयल आता है वो है मैक्सिमाइल महिंद्रा का। ओके, तो ये डिफरेंशियल ऑयल है, न्यू जनरेशन जेन्युइन डिफरेंशियल फ्लूड लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं XUV500 साइलो स्कॉर्पियो बोलेरो, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशियल में। और ये जो आता है 1.8 लीटर होता है। और इसके प्राइस क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 821 रुपये लिखी हुई है। तो ये आपको मिल जाएगा उतने में। तो ये डिफरेंशियल ऑयल है, आपको दिखाते हैं कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, आपका जो स्पेयर व्हील होता है वो आप पहले निकाल दीजिए, क्योंकि जब ऑयल फिलअप करते हैं तब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पहले ये जो स्पेयर व्हील जो है वो हमने निकाल लिया है। जो सामने आप देख रहे हैं वो डिफरेंशियल है। मार दे, आज काटी नहीं, एलन की काटी, एलन की काटने की। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वहाँ से जो आपको डिफरेंशियल दिखता है, ड्रेन प्लग होता है, वो उसी ड्रेन प्लग को आप खोलेंगे तो ऑयल वहाँ से पूरा सारा निकल जाएगा। चालू से ये ड्रेन प्लग है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो एलंकी होता है, 10 mm का एलंकी यहाँ पे लगेगा। और ये फिलअप प्लग पे भी लगेगा, यहाँ पे होता है, जो वहाँ से फिलअप होता है, वहाँ से फिलअप होता है और यहाँ से निकालना होता है, तो ड्रेन होता है। ये देखो, यहाँ पे ड्रेन प्लग पे कितना सारा कचरा जमा हो गया है, मेमोरी सबकी, गियर्स की मेमोरी चिपक गई। इसको पूरा साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिर से लगा देंगे। बाकी ना ढीला करना को, ऊपर ट्यूबलाइट। ऊपर में जो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल का ये जो कवर होता है ये हमने निकाल लिया है। तो कैसे निकाला वो आपने देखा, तो इसी तरह से आप अपने घर पर इसको चेंज कर सकते हैं इसका डिफरेंशियल का वॉल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब कुछ कंप्लीट देख कर इसको फिर से बैठा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप चेंज करने वाले हो तो पूरा इसका जो ये वाला जो सरफेस होता है पूरा एकदम साफ सुफ कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर तो दोस्तों आप पूरी अच्छी तरीके से इसको क्लीन करने के बाद पैकिंग आप लगा दीजिए, और उसके ऊपर ये जो कवर होता है वो लगा दीजिए। ये पूरा साफ करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्लीन कर दीजिए इसको, फिर ऐसा एक पैकिंग होगा वो पैकिंग आपको लगाना होगा। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हम उस वो जो कवर था उसको हमने पेंट भी कर दिया है ब्लैक कलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक पेंट कर दिया और पीछे पूरा क्लीन कर दिया है, आप देख रहे हैं। तो ये पूरा क्लीन हो गया है, तो पूरी तरह अच्छी तरीके से क्लीन भी कर दें आप। और यहाँ पर ये जो है तो ये जो है ये बॉन्ड ट्यूब है, तो ये हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप जो पैकिंग होता है वो लगाइए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये ट्यूब लगानी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैकिंग है वो हमने लगा दिया है। आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो ये भी है हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पैकिंग को लगा दिया है और जो बोल्ट है उसको लगा देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑयल को फिलअप कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हमने फिट कर दिया है। तो अब हम कार चला के देख लेंगे कि कहीं लीकेज तो नहीं रह गया। ओके, अगर आपको ऑयल इसमें डालना है तो आप किस तरह से डालेंगे, यह हमारे पास एक पाइप का टुकड़ा है, इतना 3 फुट ये पाइप का टुकड़ा ले लीजिए। और यहाँ पर जो है आपको अंदर जो ऑयल जहाँ से आप डालेंगे वहाँ पर इतना छोटा एक पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको, अगर छोटी पाइप है तो भी चल जाएगा। और इसी तरह के से आपको वहाँ तक ले जाना होगा। ओके, हाँ वहीं तक, और फिर यहाँ से आप ऑयल फिल कर सकते हैं यहाँ से इसी तरह से, यानी कि क्या होगा यहाँ से ऑयल अच्छी तरीके से अंदर चला जाएगा। तो हमने ऐसी इसी तरीके से डाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।